इतनी सुबह तंग किया तुमने बच्चों को? हाँ, अगर वो वकील बनना चाहते हैं तो गैर मामूली वक्त की आदत होनी चाहिए, आधी रात हो या सुबह सुबह। ये नजाकत अब उन्हें भूलनी होगी। तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, तहसीन की बेटी इस फहरिस्त में शामिल है। मुझे पता है तुम क्या कहोगी, लेकिन तहसीन के साथ मसला अलग है। ये बात अलग है कि मुझे उसको भी बाकियों की तरह मुकम्मल मौका देना होगा। तुम्हें डर नहीं है कि वो अपने बाप को मुखबरी कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे सबसे बेहतर जानती हो। और तुम्हें सबसे बेहतर जानने वाली इंसान होने के नाते मुझे मालूम है कि तुम वही करोगे जो तुम्हारे जहन में है। इसीलिए इस मौजू पर ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहां ले आई हो, है ना? तुम्हारा बस चले तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, तुम्हें मानना पड़ेगा ऐसे ही है। क्यों, सही कहा ना? पापा ने भी यही कहा था, कल उनका फोन आया था। जाहिर है पहले तो उन्होंने डांटा मुझे कि मैं फोन नहीं करता हूं, काम का बहाना बनाता हूं वगैरह वगैरह। दरअसल वो हमें खाने पर बुला रहे हैं, उन्हें अपनी बहू की बहुत याद आती है। क्या वाकई उन्होंने ऐसा कहा क्या? शर्म करो, तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पर। यकीन ना करने का जवाब है मेरे पास। हाँ तो खाने के बारे में क्या कहती हो? तुम्हें पता है आजकल मसरूफ हूँ, जब मैं फारिग होती हूँ तो तुम मसरूफ होते हो। देखते हैं अगर वक्त मिल गया तो। चलें क्या अब? आधे घंटे में एक क्लाइंट से मीटिंग है मेरी। मुझे भी कोर्ट जाना है अभी। चलो।